कांग्रेस ने भैया आज तक कुछ ना करा है, और कांग्रेस वाले तो आ भी जावे ना तो हम वाल औरत उन्हें घोट घोट का और मार देंगे। मोदी के अलावा किसी ने कुछ ना करा है यहाँ। सरकार ने तो बढ़िया किया है और काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व की है उनकी। बढ़िया मोदी ने काम करा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम तो मोदी को ही, बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी के अलावा किसी को नहीं देंगे, चाहे हार जाए और जीत जाए, लेकिन उनको देंगे वोट। नमस्कार दोस्तों, हम हैं पीयूष वर्मा। जी हाँ, हम द चौपाल की टीम लेकर आ चुकी है गांव बजीतपुर में। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ लगी है चौपाल, तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या है इस बार चुनावी के होली के रंग। जी सर, आप बताइए। हाँ भैया, हम तो बता रहे हैं, हम तो बीजेपी के समर्थन है, बीजेपी देंगे। मोदी ने बड़े अच्छे काम करे हमारे, इसमें जो भी करा मोदी ने बहुत अच्छा करा, हम उसे वोट देंगे। राहुल देने गांधी किसी मायावती दे किसी बना दें। अच्छा, और जैसे कि यूपी के अंदर है अभी जो योगी सरकार है, योगी सरकार के कामों से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया खुश हैं। योगी काम से बहुत बढ़िया, भैया योगी से ज़्यादा मोदी के खुश हैं हम। क्या क्या है कि इन्होंने, कांग्रेस वालों ने जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए सभी जितने भी, ये मोमडन की बताते हैं कि हाँ मोमडन की पार्टी है, मोमडन को वहीं रखा है जहाँ नीचे लेवल पर, ये ऊपर ना उठ जाए। किसी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया, अपने परिवार से आगे किसी को जाने नहीं दिया। नहीं, बड़े अच्छे अच्छे पहले नेता थे, वे सब कांग्रेस छोड़ के क्यों चले गए? तो बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में वो सब आगे बढ़ाने वाले हैं, सबको जोड़ने वाली बात करते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। इन्होंने क्या किया आज तक ऐसे? तो आपका वोट इस बार किसको जाएगा? मोदी को जाएंगे, चाहे हार जाए और जीत जाए, लेकिन उनको जाएंगे वोट। दोबारा भी मोदी आएगा, मोदी ने अच्छे काम करे तो मोदी आएगा। सब जनता के लिए तो मोदी नहीं करे काम? भैया आज तक इतने नेता पड़े, किसी ने कुछ ना करा, मोदी ने तो करा ही है। मेट्रो लाइन काट दी, कहीं हाईवे काट दिया, कहीं किसानों की करा, कहीं कर्ज तारा सब कुछ करा, मोदी कर रहा भैया। जो कांग्रेस ने भैया आज तक कुछ ना करा है, और कांग्रेस वाले तो अभी जावे ना तो हम वाल औरत उन्हें घोट घोट का और मार देंगे। मोदी के अलावा किसी ने कुछ ना करा है यहाँ? हम तो मोदी की सुने हैं, और मोदी की सुने हैं जब से सुने वोट देंगे। और पाकिस्तान वाले आ जाए तो उन्हें भी घोट घोट के मार देंगे। अक्की औरत तो इतनी घुणसारी है, सही बताऊँ। अभी जो कुछ होया मोदी ने ही करा है, पहले कुछ ज्यादा ना था यहाँ। जो भी कुछ होया, जैसा भी करा है, मोदी ने ही करा है। कांग्रेस वालों ने तो और लुटिया डबो दी इसकी, और हम तो हिंद मोदी हमारे वालों से नहीं, फिर से नोट बनावे कांग्रेस वालों ने। तो सही बात, तो बड़े बूढ़े के लिए और करे। जो जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस तो हमें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कभी भी। और वैसे भी शुरू से ही हम, हमारे मतलब माँ बाप के घर भी, ससुराल में भी, सभी बीजेपी को देंगे वोट, मोदी को देंगे वोट, और किसी को नहीं देंगे। कांग्रेस को नहीं देंगे हम। देखो, मेरी लड़की खुद इलेक्शन में खड़ी थी आम आदमी की पार्टी की तरफ से, द्वारका से, दिल्ली से। जब मैं उसके साथ थी, लेकिन मैंने जब भी यही बोला था कि आपके साथ जरूर हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट दूंगी, जबकि मेरी बेटी खुद पार्षद की सीट पे खड़ी थी। तो आप चौहान द्वारका से खड़ी थी। सरकार ने तो बढ़िया किया है और काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व की है उनकी। किसानों की मदद कर रहे हैं, गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार मोदी की होनी चाहिए। बढ़िया मोदी ने काम करा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम तो मोदी को ही, बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी के अलावा किसी को नहीं देंगे। देखो, हम यहाँ पर दो बात रखते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि मोदी जी से कुछ लालच है, बट मोदी जी से हमको नुकसान भी हुआ है। अगर हम एक अपना भला देखते हैं तो पूरे देश का भी देखते हैं भाई। हम ये नहीं चाहते भाई हमारा एक भला हो। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि अभी अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले ही एयर स्ट्राइक हुई, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने कराया, तो उसका काफ़ी बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा है ये एयर स्ट्राइक से। कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि भाई समीकरण कुछ बिगड़ से रहे हैं, लेकिन इसका कुछ होने से रुख थोड़ा सा बदला है पब्लिक का। बट ये तो जहाँ भी आप जाओगे तो जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। ये आप अपने घर में देख लो, घर में अगर 5 कैंडिडेट होते हैं तो 5 कैंडिडेट एक मत के नहीं होते हैं भाई। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा भाई ये है कि ऐसे मान लो कि 50% कांग्रेस को जा रहा है, 50% बीजेपी को जा रहा है। बट ये जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन से अब देखो इस बात को तो हम नहीं कह सकते क्या हो सकता है, ये तो जनता का एक मूड है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाई गठबंधन की सरकार कभी हमने चलते नहीं देखी है, गठबंधन की सरकार कभी नहीं चलती है। ये तो इनका सम्मिलित का एक इन्होंने बनाया है अपना, जैसा भी इन्होंने अपना जो भी है। लेकिन ये सारे समीकरण मेरे अनुमान से तो ऐसा लगता है भाई जी आगे जाके फेल होंगे इनके, और ये सरकार अगर बन भी जाती इनकी तो ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।